क्वेश्चन नंबर एक है, वर्मी कंपोस्टिंग किसकी सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है? वर्मी कंपोस्टिंग है केंचुए से खाद तैयार करने की विधि। क्वेश्चन नंबर दो है, भारत संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग किस वर्ष बंद कर दिया गया था? अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया था 1965 में। क्वेश्चन नंबर तीन है, पादप कोशिका में लवक क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में लवक कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर चार है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर छह है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था कथक को। क्वेश्चन नंबर सात है, कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? नेपाल में स्थित है धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर आठ है, किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था जेम्स रेनेल ने। नेक्स्ट है, कल्हण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? ये लिखा है जम्मू कश्मीर का, और इनकी पुस्तक थी राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर दस है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, कर्नाटक संगीत किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक संगीत प्रचलित है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन बारह है, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? बेलूर में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग सन्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रोकन विंग सन्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 15 है, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया है? न्याय की अवधारणा ली गई है, न्याय की अवधारणा को लिया गया है रूसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमा की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा करता है एसएसबी सशस्त्र बल। क्वेश्चन 19 है, स्काइप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्काइप की स्थापना की गई थी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है केंद्रीय राजस्व सचिव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं
भरत मुनि, ऑप्शन डी। कुसुम 22 है, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कुसुम 23 है, किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन K1 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 326 का संबंध है वित्त आयोग के गठन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? जोड़े गए थे 18 अनुच्छेद। क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रिया परिस्थिति के लेखक कौन थे?